हेलो एवरीवन। तो सबसे पहले सबको शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। सबके अंदर एक शिक्षक है, सबके अंदर एक टीचर है, चाहे जो भी स्टूडेंट है, चाहे वो जिस भी क्लास में है, वो हमेशा किसी ना किसी को कुछ सिखाता रहता है। और चाहे जो भी टीचर है, वो हमेशा अपने स्टूडेंट से या किसी से भी, वो हमेशा किसी ना किसी से कुछ सीखता रहता है। तो एवरी वन ए टीचर एंड एवरी वन ए स्टूडेंट। सो यहाँ पे ऐसा रिलेशनशिप है टीचर स्टूडेंट का। तो ओके, तो यहाँ पे मैं आया हूँ आप सबको बताने कि हमने जो मॉक टेस्ट लॉन्च किया है कराने के लिए आपको पूरा सेशन 2022 से 2023, उन लोगों के लिए जो MSc बॉटनी एंट्रेंस, किसी भी MSc बॉटनी की, जैसे आप TGT, PGT, UPHSC, MSc एंट्रेंस, किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, ये हमारा मॉक टेस्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका फी स्ट्रक्चर मैंने पहले ही बता दिया। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है कैसे ज्वाइन करना है, गूगल फॉर्म कैसे फिल करना है, तो ये आई बटन पे जो आ रहा है आपका लिंक, वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे फी जो है 1 मंथ के लिए आप ज्वाइन करते हैं। 1 मंथ में आपको 8 टेस्ट होगा, 8 टेस्ट, वहाँ पे 4 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट होगा, ठीक है, संडे को कराया जाएगा, और 4 टॉपिक वाइज टेस्ट होगा, जैसे एल्गी, फंजाई, ब्लाइटेड, ऐसे भी आगे हम बात करते हैं, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, हमारे पास आपका आएगा रिस्पॉन्स, हम आपको एक अलग से टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करा देंगे और वहाँ से आपको इंस्ट्रक्ट करेंगे कि आपको कैसे टेस्ट देना है। टेस्ट हम टेलीग्राम पे नहीं कराने वाले हैं, हम एक वेबसाइट पे कराएंगे, ठीक है। वहाँ पे हमने अच्छे से प्लस सब्सक्रिप्शन ले रखा है, ओके। तो आप जैसा देख सकते हैं यहाँ पे, और हाँ, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा जहाँ पे हम टेस्ट कराने वाले हैं। एक डेमो मॉक टेस्ट की तरह है, आप उसे डेमो को देके आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको हमारा मॉक टेस्ट ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं। अभी हमने मॉक टेस्ट एक लॉन्च किया था, वहाँ पे 100+ स्टूडेंट ने ज्वाइन किया, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा, ठीक है। एक बात और मैं आप सबको बता दूं कि बहुत लोग मुझसे पूछते रहते हैं, भैया आप जूलॉजी के बारे में कुछ नहीं बताते, जूलॉजी का हम कहाँ से पता करें, आप बॉटनी का तो बता देते हैं, बट हमें जूलॉजी का नहीं मिलता। तो देखिए, यूट्यूब पे एक चैनल है कृतिका BSc क्लासेस, एक्चुअली हम आपस में कोलैबोरेट भी कर रहे हैं। तो आप अगर जूलॉजी के लिए अगर सर्च कर रहे हैं कुछ भी, तो ये चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंटेंट भी काफ़ी पड़े हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को मेनली टारगेट किया जाता है, और जो भी जूलॉजी से, जैसे CUET जूलॉजी के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, तो ये चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ओके, ठीक है। तो ये है, जैसे आप देख सकते हैं 15 सितंबर से हम लोग स्टार्ट करेंगे। 15 सितंबर को हम LG से करेंगे, और इस जो टॉपिक वाइज टेस्ट होगा, यहाँ पे 50 क्वेश्चन होंगे आपके, और इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे और वीडियो बना दूंगा, एक्चुअली वीडियो बना के उसको आपको लिंक दे दूंगा एक्चुअली, और वो वीडियो सबके लिए अवेलेबल नहीं रहेगा उस टाइम पे, बाद में मैं हो सके तो पब्लिक करूँगा, लेकिन जो टेस्ट ज्वाइन करेंगे उनको ही लिंक दिया जाएगा, ओके। फिर देखिए 15 को LG, फिर 18 सितंबर को हम मॉक टेस्ट 1 करेंगे। मॉक टेस्ट 1 में हम पूरा टॉपिक कवर करेंगे बेसिक से लेके, ठीक है, और आप पे एकदम पूरा एनालिसिस रहेगा हमारा कि कौन सा स्टूडेंट कहाँ पे वीक पढ़ रहा है, कौन सा टॉपिक है, हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आपको क्या पढ़ना है, आपको हम नोट्स प्रोवाइड करेंगे, सारा चीज़ करेंगे। 21 सितंबर को हम फंजाई करा लेंगे, 25 को मॉक टेस्ट 2 करा लेंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे आप देख सकते हैं। फिर अक्टूबर में हम आ गए, अक्टूबर में 5 अक्टूबर को ब्रायोफाइटा, 9 अक्टूबर को मॉक टेस्ट 3, 12 अक्टूबर को, आप यहां पे पूरा आप शेड्यूल अच्छे से देख सकते हैं कि किस डेट को। और मैं इस टेस्ट की टाइमिंग अगर बताना चाहूं, तो टाइमिंग आपको दिया जाएगा सुबह 9 बजे से आपका टेस्ट स्टार्ट रहेगा, आप शाम को 6 बजे तक बीच में कभी भी जो मॉक टेस्ट है एक्चुअली फुल सिलेबस 100 क्वेश्चन वाला, उसके लिए आपको पूरे पूरे 2.5 घंटे मिलेंगे। आप सुबह से 9 बजे से लेकर शाम के 6 बजे के बीच में कभी भी आप टेस्ट दे सकते हैं, रिजल्ट आपका 7 बजे के अंदर अंदर दिया जाएगा, ठीक है। और जो टॉपिक वाइज वाला टेस्ट है, उसके लिए आपको पूरे पूरे 1.5 घंटे दिए जाएंगे, सुबह 6 बजे से 9 बजे तक टेस्ट आपका अवेलेबल रहेगा, उसी दिन आप दे सकते हैं। मान लीजिए गलती से अगर आपका टेस्ट छूटता है, ठीक है, टेस्ट आपका मान लीजिए गलती से छूट गया, तो ऐसा नहीं कि हमेशा छूट जाता है तो हम आपको फेवर देंगे, अगर कोई इमरजेंसी में आपका टेस्ट छूटता है तो हम आपको अलग से आपका टेस्ट अटेंड करने का मौका दे देंगे, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नवंबर में, ठीक है, नवंबर में ऐसे ऐसे प्लांट एनाटॉमी एनजीओस्पर्म मॉक टेस्ट तो चलता रहेगा हर एक संडे को पूरे टॉपिक वाइज से, ठीक है, आप साथ साथ प्रिपेयर भी करते रहेंगे। ये नवंबर का शेड्यूल है। फिर देखिए दिसंबर में प्लांट फिजियोलॉजी जो टॉपिक वाइज वाला हम कंप्लीट कर लेंगे, और मॉक टेस्ट तो चलता रहेगा फुल सिलेबस का। तो ये पूरा 2022 का शेड्यूल है कि आपको कौन कौन सा टेस्ट कराया जाएगा, कितने मॉक टेस्ट, देखिए 14 मॉक टेस्ट, यानी आप 1400 MCQ फ्रॉम द फुल सिलेबस कवर कर लेंगे, और 50-14 यहाँ पे है, तो आप देख लीजिए 500+200-700, यानी कि फुल अगर टेस्ट ज्वाइन करते हैं तो 1400+700, यानी कि 2100 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है।
तो आप ज्वाइन कीजिए। यहाँ पे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा गूगल फॉर्म का। आपको करना क्या है, सिंपली मैं बता देता हूँ थोड़ा ब्रीफली। आपको डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, आपको वहाँ पे देखना है। यही मेरा नंबर इस पे नहीं है, गूगल फॉर्म पे होगा वो। वहाँ पे आपको पेमेंट करना है, आप चाहे जितना ही ज्वाइन करना चाहते हैं, 1 मंथ 3 मंथ 6 मंथ 9 मंथ, तो आप उसके अकॉर्डिंग पे करेंगे, ठीक है। अगर अभी पे करते हैं तो ये आपका वैलिडिटी 15 सितंबर से लेके 15 अक्टूबर तक रहेगा, ठीक है। उसके बीच में जितने टेस्ट होते हैं आप एक्सेस कर सकते हैं उस टेस्ट को, ओके। तो इस तरह आप गूगल फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पे करना क्या है, भरने से पहले आपको सबसे पहले पेमेंट करना है नंबर पे, फिर पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेके गूगल फॉर्म में अटैच करना है, सारा अपना डिटेल देना है, जो जो चीज़ें मांगी गई है, ठीक है। उतना कठिन नहीं है आपको फॉर्म भरना, आप फॉर्म भर देंगे। और एक बार अगर आपको मन करे तो मुझे मेरे नंबर पे टेलीग्राम पे अपना स्क्रीनशॉट पेमेंट का भेज देंगे, फिर मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, ठीक है। मैसेज आएगा, आपका नंबर मेरे पास आएगा, तभी ऐड करूंगा। और 15 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए अभी हमारे पास 3 स्टूडेंट हुए हैं इस टेस्ट के लिए अभी, क्योंकि उतना अभी ज्वाइन करेंगे ही, तो चाहे जितने भी स्टूडेंट हो हम तो स्टार्ट करेंगे 15 से। अगर आप ज्वाइन नहीं करेंगे तो आपका छूटेगा और पीछे का टेस्ट नहीं देने दिया जाएगा। कि आप जैसे आप नवंबर में आ रहे हैं तो आपको सितंबर का टेस्ट एक्सेस नहीं मिलेगा, तो ये बात ध्यान रखेंगे, ओके। चलता हूँ मैं, मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और यह ज्वाइन कर लीजिए।